हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो भाई सब लोग? तो आई होप सब लोग अच्छे होंगे और वीडियोस तुम लोग देख रहे हो, कंटिन्यू देखते रहिए। और क्या करना है इसको, फिर सब्सक्राइब करना और बढ़ाते रहना आगे, ठीक है ना? देखो तो 3.1 में फर्स्ट जो क्वेश्चन था वो अपना कंप्लीट हो चुका। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा? सेकेंड क्वेश्चन, दैट इज व्हाट। देखिए, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2, फाइंड आउट वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। ये क्या नई चीजें हैं भाई? इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, व्हेन टू लाइन्स आर इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, दैट मीन्स व्हाट? A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। सेकेंड इज पैरेलल, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। कोइंसिडेंट मतलब क्या होगा भाई? सभी इक्वल रहेंगे, रेशियोज क्या रहेंगे? सभी इक्वल। इधर उधर क्यों भाग रहा है अभी? देखो इधर अभी नहीं भागेगा। तो फर्स्ट थिंग, सबसे पहले क्या रखेंगे अपन, व्हाट वी विल राइट क्वेश्चन। देखो इधर, तो फर्स्ट इज 5x-4y+8=0। फर्स्ट क्वेश्चन आई एम राइटिंग, दिस इज द इक्वेशन वन, ये गिवन डाटा में आ गया। सेकेंड इज 7x+6y -9=0, इक्वेशन टू। जो भी इक्वेशन थी अपने लिख ली। फर्स्ट जो लाइन आती है दैट इज व्हाट, कंपेयर द गिवन इक्वेशंस, कंपेयर द गिवन इक्वेशंस। चलो कंपेयर कर लेते हैं भाई, करें कंपेयर। चलो कंपेयर द गिवन इक्वेशंस विथ, किसके साथ? विथ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, या फिर ऐसे लिख दो A1x+B1y+C1=0 एंड किसके साथ A2x+B2y+C2=0 रेस्पेक्टिवली। क्यों लगाया अपने रेस्पेक्टिवली? मतलब इक्वेशन वन को किसके साथ कंपेयर करना है? A1x B1y+C1। सेवन एक्स सेकेंड क्वेश्चन को किसके साथ करना है? A2x+B2y+C2। इसके लिए मैंने रेस्पेक्टिव यूज किया। अच्छा, ये इक्वेशन इसके साथ कंपेयर हो जानी है, ये इसके साथ कंपेयर हो जानी है। कंपेयरिंग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अपन को क्या चाहिए? अरे रेशियोज के लिए अपन को क्या चाहिए बताओ भाई? A1 चाहिए, A2 चाहिए, B1 चाहिए, B2 चाहिए, राइट और नॉट? चलो देखियो, जब मैं इस इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करता हूं तो मेरे पास A1 क्या आएगा? A1 5, यस और नो? राइट डाउन हियर, A1=5। नेक्स्ट B1 क्या आएगा? +4 या -4? -4। B1 is -4। C1 is 8। सेम। A2 is what? 7। A2 is 7। B2 is 6 एंड C2 is -9। कंपेयरिंग से अपन को क्या मिल गए? A1 की वैल्यू मिल गई, A2 की वैल्यू मिल गई, B1, B2 एंड C1, C2, राइट? क्यों चाहिए अपन को? अरे अपन को चेकआउट करना है कि लाइंस आर इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट और पैरेलल और कोइंसिडेंट। वी हैव टू चेक ऑल दीज थ्री, राइट ना? तो पहला देखो इधर, फर्स्ट व्हाट वी विल डू, वी विल फाइंड द रेशियोज ऑफ A1/A2। सी हियर, A1/A2, चलो पीछे। A1 क्या है अपने पास? A1 5 है, A2 कितना है? 7। चलो A1 5 है, A2 7 है, तो A1/A2 का रेशियो क्या है? 5/7। चलो सेकंड क्या करना अपन को? B1/B2। देखो भाई, तो B1/B2 का रेशियो चेक करेंगे, करें। देखो B1 कितना अपने पास? -4 है एंड B2 कितना है? 6 है। कुछ दिख रहा है? अरे अंधेरे में जरा लाइट नजर आ रही है कि नहीं आ रही? -4/6, अरे इधर प्लस है, इधर माइनस, होना ही नहीं है इक्वल, होगा क्या? अरे नहीं होगा रे मेरे देश के भविष्य, क्योंकि क्या है, अपन को रेशियो क्या चाहिए? इक्वल चाहिए या नॉट इक्वल चाहिए, राइट ना? और यहीं से अपन का आंसर आ जाना है। पहली बार में क्या हो गया? नॉट इक्वल, मुझे साफ नजर आ रहा आंसर, मुझे साफ नजर आ रहा है। क्यों आ रहा है? बिकॉज दोनों रेशियोज क्या है? अरे इक्वल नहीं है। अरे इक्वल नहीं है मीन्स व्हाट? इक्वल नहीं है मतलब क्या?
दे विल इंटरसेक्ट एट अ सिंगल पॉइंट. मीन्स वॉट? दीज इक्वेशंस हैव अ यूनिक सॉल्यूशन. मैंने बताया था आई बटन पे आपको दिख जाएगा. क्या दिखेगा? वो वाला वीडियो फर्स्ट इंट्रोडक्शन में देखना. ग्राफिकल मेथड मैंने बताया था, और ग्राफिकल मेथड में तीन तरीकों से अपन कर सकते हैं सॉल्व. पहला जब इंटरसेक्ट होगी, दूसरा व्हेन पैरेलल, थर्ड वन व्हेन कोइंसिडेंट. कोइंसिडेंट बोले तो, अरे बोले तो क्या, सी वन अपॉन सी टू. देखो भाई, सी वन क्या है? एट है. सी टू क्या है? नाइन है. एट अपॉन माइनस नाइन, तो अपन को तो पता ही है. देखो जरा रेशियो देखो. सो वी कैन राइट डाउन हियर दैट ए वन अपॉन ए टू नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू. और ये आते ही मेरा आंसर आ गया. क्या आया मेरा आंसर? देखो इधर देखो, क्या दैट लाइन्स विल, लाइन्स को बोल रहा हूं, इक्वेशन किसकी दी है? लाइन्स की. दैट मीन्स वॉट? लाइन्स विल इंटरसेक्ट टू ईच अदर, इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट अ सिंगल पॉइंट, एट अ सिंगल पॉइंट. दैट मीन्स लाइन्स हैव वॉट? दैट मीन्स लाइन्स हैव अ यूनिक सॉल्यूशन. लाइन्स या फिर इक्वेशन हैव यूनिक सॉल्यूशन. अपना क्वेश्चन खत्म. सेकेंड में फर्स्ट वन डन. देखो भाई, अपन ने स्टार्ट यहां से किया था. अपने पास A1, A2, B1, B2 और C1, C2 क्या करना था? अपन को रेशियोज फाइंड आउट करके उनको कंपेयर करना था. पहला क्वेश्चन क्या था अपने पास? 5x minus 4y plus 8 return, 7x plus 6y minus 9 is equal to 0 return as it is. फिर दोनों को क्या करना था अपन को? We have to compare both the equations with what? With A1x plus B1y plus C1 is equal to 0 and A2x plus B2y plus C2 is equal to 0 respectively. क्यों? फर्स्ट इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करना, सेकंड इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करना. जब मैंने दोनों इक्वेशंस को कंपेयर किया तो मुझे क्या मिला? मुझे A1, A2, B1, B2 एंड C1, C2 की वैल्यूज मिली. और जब मुझे ये वैल्यूज मिली तो मैंने सीधा कहाँ चला? मैं सीधा रेशियोज पे चला. और रेशियोज तो अपन को फाइंड आउट करने ही करने हैं, ग्राफिकली थोड़ी सोल्व करना नहीं. तो मैंने A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2 फाइंड आउट की. गॉट इट? तो A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2. ये आते ही मुझे पता लग गया कि वो क्या करेगी. देखो क्या पूछा था क्वेश्चन ने, कि दैट इक्वेशन सो लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट. क्या मैंने यही लिखा? यस, ईच अदर एट अ सिंगल पॉइंट. है कि नहीं है? चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपने पास? ये रहा देखो, 9x plus 3y plus 12. 9x plus 3y plus 12. 9x plus 3y प्लस 12. सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन देखो इधर. गिवन इक्वेशन क्या है? 9x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू कितना है? जीरो. नेक्स्ट क्या? सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड कहां गई ये 18x 6y 24 प्लस 24 इज इक्वल टू जीरो. दो इक्वेशन है. फर्स्ट इक्वेशन, दिस वन इज द सेकेंड इक्वेशन. सेम फंडा अप्लाई करना, सेम फंडा. कैसे? देखो क्या करेंगे, कंपेयर द गिवन इक्वेशंस, कंपेयर द गिवन इक्वेशंस विथ, याद करो, वंस अपॉन ए टाइम ए वन एक्स प्लस बी वन वाई, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस ए वन इज इक्वल टू जीरो एंड 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 क्या रहे? ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू क्या? जीरो. साथ में क्या चिपका देते हैं? चलो भाई बड़ा अच्छा लग रहा है, रेस्पेक्टिवली चिपका दिया. चिपकाने से अपन को एक फायदा जरूर हुआ कि इसको इसके साथ कंपेयर करना है, इसको इसके, उलझने खत्म. और उलझने खत्म होते ही सॉल्यूशन अपने सामने. कंपेयर कर ले, चलो कर लेते. सो ए वन इज वॉट? नाइन. राइट डाउन हियर, A1 is 9, A2 is 18, कितना रे? 18. B1 कितना है? 3 है. और B2 कितना होगा? 6 होगा. बोलो रे, अरे सपूतो बोलो. C1 कितना होगा रे? 12. और C2 कितना?
24, अपने पास A1 है, अपने पास B1 है, अपने पास C1। अब लास्ट स्टेप क्या आती है? सो वी हैव टू चेक व्हाट रेशियोस। सो A1 अपॉन A2, चेक आउट इट फर्स्ट, आफ्टर दैट B1 अपॉन B2, लास्ट वन इज C1 अपॉन C2। चलो चेक करो, A1 कितना अपने पास 9 है, A2 कितना है 18, B1 कितना 3 है और B2 कितना 6, C1 कितना 12 और C2 कितना 24। देखो मुझे एक चीज नजर आ रही है यहां पे, A1 अपॉन A2, 9 1 जा 1, 9 2 जा 18, 1 अपॉन 2। नेक्स्ट B1 अपॉन B2, 3 1 जा 1, 3 2 जा 6, 1 अपॉन 2। लास्ट देखो 12 2 जा कितना होता रे, अरे कितना होता है 1 अपॉन 2, 24। और 24, 12 2 जा 24। देखो 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 इधर, अरे सभी रेशियोज क्या दिख रहे हैं, अरे 1/2, 1/2, 1/2, मतलब क्या रेशियोज क्या है, इक्वल। अगर सभी रेशियोज इक्वल है, देखो इंटरसेक्टिंग का मतलब क्या, सॉल्यूशन आना। सभी रेशियोज इक्वल हो गए, सभी रेशियोज इक्वल हो गए मतलब एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर कौन सा को इंसिडेंट, लाइन्स विल को इंसिडेंट टू ईच अदर, दैट मीन्स A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। अगर ये कंडीशन अपने पास है तो इसका मीनिंग क्या है कि लाइन फर्स्ट इज को इंसिडेंट ऑन द लाइन सेकेंड, ये सुन, और जहां पे ये मिलती है वही उसका सॉल्यूशन। अरे कितने सॉल्यूशन होंगे भाई, कितने काउंट करोगे, अरे 1 2 3 4 5, इनफाइनाइट। सो देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, आर यू गेटिंग इट, व्हेन रेशियोज आर इक्वल, ऑल रेशियोज A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2, कितने सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आर देयर, गॉट इट। देखो भाई, अरे क्या करेगी, क्या करेगी वो, कोइंसिडेंट करेगी, लिख दो फिर वहां पे, हेंस लाइंस विल क्या रहे, हेंस लाइंस विल क्या, हेंस लाइंस विल कोइंसिडेंट टू ईच अदर, कोइंसिडेंट टू ईच अदर। तो ये था भाई अपना क्वेश्चन सेकेंड, देखिए भाई इसको। सो 9x+3y+12 इज इक्वल टू 0, 18x+6y+24 इज इक्वल टू 0। दोनों को क्या किया अपन ने, कंपेयर किया, कंपेयर करने के बाद में अपन को A1 A2 B1 B2 C1 C2 की वैल्यूज मिली, फिर क्या मिला, अरे अपन ने देखा इसको, देखा तो ऐसा देखा कि सभी रेशोज इक्वल आ रहे हैं, और इक्वल आ रहे हैं मतलब क्या करेंगे दोनों को इंसिडेंट, एक के ऊपर एक आ जानी है, एक के ऊपर एक आ जाते हैं, अपन का आंसर आ जाना। और वो आंसर क्या होगा, वो आंसर रहेगा द लाइंस विल को इंसिडेंट टू ईच अदर। देखिए भाई नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड वन। अब देखो सोल्व कर दे, देखते नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए तो दिस इज द इक्वेशन वन एंड दिस वन इज द इक्वेशन टू, कंपेयर द गिवन इक्वेशंस, कंपेयर द, अच्छा वो थर्ड था भाई, कोई बात नहीं, क्वेश्चन सोल्व होने जरूरी है, थर्ड सेकंड से क्या लेना देना अपन को। कंपेयर द गिवन इक्वेशंस विथ व्हाट, A1x+B1y+C1 इज इक्वल टू 0 एंड व्हाट, A2x+B2y+C2 इज इक्वल टू 0। पूरा सोल्व नहीं करूंगा, देख लेना, A1x को किसके साथ कंपेयर करना है अपन को, 9x के साथ, और A2x वाले को किसके साथ कंपेयर करना है, 18x के साथ। तो यहां से अपने पास वैल्यू जाएगी, तो A1 की वैल्यू कितनी निकलेगी रही यहां से, फर्स्ट इक्वेशन से A1 इज इक्वल टू 9, रुको 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 रुको, कुछ लफड़ा तो नहीं हुआ, कुछ लफड़ा तो नहीं हुआ, लफड़ा हो गया भाई, ये क्वेश्चन कर तो लिया अपन ने, अबे नशेड़ी हो, नशे में हो तुम लोग, हाँ ये क्वेश्चन हो गया अपना, ये देखो इधर ये और क्या किया है ये, हाँ तो ये क्वेश्चन हो चुका अपना, ठीक है ना, तो अपन को नशे में नहीं रहना, कौन सा नशा करते हो तुम लोग, सस्ते नशे के शिकारी हो सब, क्वेश्चन हटा दें इसको, चलो नेक्स्ट आ जाओ। ये है वो थर्ड वन क्वेश्चन,
फर्स्ट इक्वेशन ये रही अपने पास, सेकंड इक्वेशन ये रही, गॉट इट? फर्स्ट लाइन याद रखनी, रट लो चाहे उसको, कंपेयर द गिवन इक्वेशंस विथ एवन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू जीरो एंड ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू जीरो। अगर दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करते, मतलब ए वन को इसके साथ कंपेयर करेंगे फर्स्ट वाली के साथ, ए टू एक्स को किसके साथ, सेकेंड इक्वेशन के साथ, तो अपन को क्या मिलेंगे, ए वन ए टू, ए वन की वैल्यू मिलेगी, ए टू की वैल्यू मिलेगी, बी वन बी टू सी वन सी टू। देखो भाई ए वन कितना मिल रहा है इस इक्वेशन से, ए वन कितना मिल रहा है सिक्स है, ए टू कितना मिल रहा है, देखो इधर प्लस है इधर माइनस है, तो ये लेंगे ना अपन माइनस थ्री सी, सॉरी ये क्या है बी वन, सी वन कितना मिलेगा अपन को टेन, ऐसे ही सेकेंड इक्वेशन में ए टू मिलेगा अपन को, तो ए टू कितना, देखो ए टू एक्स है, ए टू कितना टू एक्स है, ए टू कितना होगा अपने पास टू, बी टू कितना होगा अपने पास माइनस वाई है, इसमें क्या बी टू वाई है क्या माइनस वन, और सी टू कितना अपने पास नाइन, क्या अपन को दिख रहा है? अपन ने वैल्यूज फाइंड आउट कर ली, ए वन बी वन सी वन ए टू बी टू एंड सी टू। अब क्या करेंगे, रेशियोज करेंगे, सुनाओ। फर्स्ट ए वन अपॉन ए टू, बताओ भाई कितना आ रहा है सिक्स अपॉन टू, बी वन अपॉन बी टू बताओ कितना आ रहा है, बी वन अपॉन बी टू, बी टू कितना है माइनस वन है, बी वन कितना माइनस थ्री, सो माइनस थ्री अपॉन माइनस वन, सी वन अपॉन सी टू कितना आएगा टेन अपॉन नाइन, टू थ्री जार सिक्स, माइनस से माइनस चल बचा, क्या बचा थ्री बचा, टेन अपॉन नाइन ये पॉसिबल नहीं हो रहा भाई, मुझे लगा ही था यही आने वाला है। मतलब क्या ए वन अपॉन ए टू कितना आ रहा है अपने पास थ्री आ रहा है, बी वन अपॉन बी टू कितना आ रहा है वो भी थ्री आ रहा है, अरे डिनोमिनेटर में कितना है वन है, कुछ फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, और सी वन अपॉन सी टू क्या है टेन अपॉन नाइन, ये तो पॉसिबल हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, मतलब क्या करेंगे, अरे ए वन अपॉन ए टू इक्वल टू किसके है बी वन अपॉन बी टू, बट 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 ये दोनों रेशियोज किसके इक्वल नहीं है सी वन अपॉन सी टू के, ये रेशियो है, आंसर तुम लोग बताओगे अभी, तो कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर बता दियो। ओके तो क्वेश्चन यहां से स्टार्ट हुआ था भाई, देख लो इसको छाप लो थोड़ा सा, वरना स्क्रीनशॉट वगैरह मान लो। ओके तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया मैंने 3.1 में, 3.1 में फर्स्ट क्वेश्चन का ग्राफिकल मेथड से सोल्व करना था, राइट? सेकंड क्वेश्चन क्या है, अपन को रेशियोज बता के ये बताना था कि वो पैरेलल है कोइंसिडेंट है या फिर इंटरसेक्ट कर रही है, ऐसे आपके टू क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए मैंने, थर्ड क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, टेक केयर, सी यू, बाय बाय।